Al Mantashar Realty and GE Constructions presents The Universe, Nothing But The Best. A magnificent 14-story tower and 7-story apartment. Luxuriously designed 1BHK and 2BHK flats. Clubhouse that keeps you healthy at all times. So what are you waiting for? Come discover and book your dream home. बोईसर में मस्जिद में घुसकर मौलाना से बजरंगियों ने की मारपीट, पुलिस नहीं कर रही थी कार्रवाई, समूचे मुस्लिम समाज ने दिया पुलिस स्टेशन के सामने धरना, तब दर्ज हुई FIR। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पालघर जिले के बोईसर में धनानी नगर है, यहां पर एक मस्जिद मदरसा है। शुक्रवार 18 मार्च को शबे बरात और होली एक साथ आई। इसी मौके पर बजरंग दल से जुड़े स्थानीय 4-5 कार्यकर्ता यहां मस्जिद में जबरन घुसे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अंदर घुसा गया, फिर मौलाना को बाहर लाया गया और वहां पर मौलाना से मारपीट की गई। मुस्लिम समाज ने, स्थानीय लोगों का कहना है कि संयम से काम लिया, शबे बरात और होली का मौका होने के कारण उन्होंने इस मामले को उसी दिन कोई तूल नहीं दिया। 19 तारीख शनिवार को ये पूरा मुस्लिम समाज बोईसर का, धनानी नगर समेत पूरे बोईसर का, ये बोईसर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठ गया और मौलाना के साथ मारपीट करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग करने लगा। जिसके बाद पालघर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर समूचे मुस्लिम समाज से बात की और उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 504, 34 के तहत अपराध दर्ज किया। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं बोईसर के कई लोगों ने हमसे संपर्क किया और बताया कि अक्सर ऐसी घटनाएं बोईसर में होती रहती है, मगर पुलिस इन घटनाओं की कोई सुनवाई नहीं करती और शिकायत लेकर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये शायद पहला मौका है कि बोईसर के समूचे मुस्लिम समाज ने एक होकर के पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं कुछ स्थानीय अखबारों ने मुसलमानों को बदनाम करने वाली खबरें भी चलाई, जबकि मुसलमानों ने पुलिस स्टेशन के सामने जो भी धरना प्रदर्शन किया वो शांतिपूर्वक किया। आप देख सकते हैं, हम वीडियोज आपको दिखा रहे हैं और किस तरीके से मौलाना से मारपीट की गई है, उसका सीसीटीवी फुटेज आप पहले ही देख चुके हैं। तो इस तरह का माहौल अब यहां पर बन रहा है पूरे महाराष्ट्र में भी और पूरे हिंदुस्तान या भारत में भी। ज्यांनी गुन्हे केलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, आम्हाला मान्य आहे, त्यामुळे ह्याला अरेस्ट करा, त्यांना अरेस्ट करा, कोणी म्हणजे माझे नातेवाईक नाहीत, परंतु जे कायद्यात बसतंय ज्यांनी गुन्हा केलाय त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, त्यामुळे आपण चिंता करू नका। गाडी हमारे आपके सामने लाके उसको अरेस्ट करके हमें डाल दो, हम लोग कोई आए नहीं यहां से, गाड़ी पकड़ो। एक मिनट, अरे सुन तो लो भाई, एक मिनट सुन लो बेटा, एक मिनट रुको, शांति रखो।